हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झार व्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। तो इसके लिए देखिए, मैं बना रही हूँ आज 3 देसी कॉर्न है ये कच्चा वाला। तो इसके लिए मैं 3 देसी वाला मकई ली हूँ और उसको मैं ग्रेट कर ली हूँ और उसका चीला बनाऊंगी। तो 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, धनिया की पत्ती ली है, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्ची को दरदरा कूट लिया है और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। तो ये मैं इंस्टेंट झटपट नाश्ता बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये बहुत हेल्दी होती है। और इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच गेहूँ का आटा और उसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई 1/4 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और मतलब कलर के हिसाब से मैं हल्दी डाली हूँ थोड़ी सी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये 3 स्वीट कॉर्न नहीं है, ये देसी वाला कॉर्न है जो हम लोग पकाते हैं वही वाला है ये। तो इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये बहुत हेल्दी होती है पहले से ही, और जब इसमें आटे डाल दो तो आटा भी हेल्दी होता है। तो टोटल ये हेल्दी मतलब फूड है। तो आप लोग ज़रूर बारिश के मौसम में तरह तरह के जो कॉर्न आते हैं उसके तरह तरह के वैरायटीज़ रेसिपीज़ बनाकर खा सकते हैं आप लोग, काफ़ी हेल्दी होती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इससे आपका पेट भी भर जाएगा और काफ़ी देर तक भरा भरा रहता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, इसको मैं मिक्स करके ऐसा बनाकर इसका घोल, गाढ़ा घोल तैयार कर लूँ, जैसा कि आप आटे का चीला बनाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आटे की जगह चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर गेहूं का आटा डाली हूँ। तो इसको भीगने के लिए छोड़ दी थी 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके मैं छोड़ी थी। तो इसका बैटर ऐसा रहेगा, जस्ट जैसे गेहूँ का चीला होता है ना, वैसा ही चीला जैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्ची डाली हूँ काट कर, 2 हरी मिर्ची दरदरा कूट कर डाली हूँ और लहसुन की 5-6 कलियाँ ली थी और अदरक एक टुकड़ा। तो आप चाहे तो उसकी जगह पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं। तो ये चढ़ा दिए, नॉनस्टिक तवा है, ये तवा पर भी बना सकते हैं, पर ये फ्राइंग पैन है तो मैं उसी में छोटे छोटे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं गर्म हो गया और फ्लेम एकदम लो रखेंगे, लो पर ही इसको पकाना है। आप इसको स्वीट कॉर्न से भी बना सकते हैं, पर ये देसी कॉर्न वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वीट कॉर्न बस बॉईल किया हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर देसी वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको लो फ्लेम पर मैं बना रही हूँ इसको। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा पतला ही बनाने का, क्योंकि पलटने में आसानी होती है, क्योंकि ये मकई को जानते हैं आप लोग ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें कुछ भी मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि ये आटा में थोड़ा भी ये होता है चिपचिपापन की आपको, तो इसलिए थोड़ा सा पतला बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आराम से ये पलट जाएगी, जैसे चीला होता है गेहूँ का वैसा ही। तो एक साइड से जब थोड़ा सा सीख गया और लो फ्लेम है हमारा, एकदम लो मीडियम ऐसे ही बनाना है लेकिन अभी लो है, तो एक साइड से जब सीख गया तो थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से भी डाल दिया चारों तरफ। अब इसको पलट लेंगे एक साइड से जब सीख जाएगा, तो देखिएगा आप पलटने लायक हो गया। तो ये देखिए चारों तरफ घूम रही है, इसलिए इसको नॉनस्टिक पे ही बनाइएगा। अब इसको पलट देते हैं, देखिए जब अच्छे से सूख जाएगा, ऊपर से कच्चा कच्चा नहीं दिखेगा, इसको आराम से पलट दीजिएगा। तो ये देखिए कितना आराम से पलट गया, इसलिए मैं बता रही थी कि इसको मोटा बिल्कुल भी मत बनाइएगा, पतला पतला ही बनाइएगा। तो यही कारण था कि इसको पलटने में आसानी होगी। तो ये वाला हमारा रिपीट हो गया है, तो वही वाला सीन है ये। तो इसको देखिए मैं पलटी थी कैसे, तो दोनों साइड से इसको उलट पलट करके सेक लेंगे, जैसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, सुनहरा सा बहुत प्यारा सा कलर जैसे आ जाता है। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डाली हूँ, इस वजह से इसका कलर और भी, ये तो ऑलरेडी ही इसका कलर डार्क होता है। आप चाहें तो कलर हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, पर डाल देने से और भी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाता है इसमें।
तो देखिए दोनों साइड से उलट पलट कर इसको सेक लेते हैं अच्छे से, और ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि आपका पेट भर जाएगा, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। तो आप इसके साथ, मैं तो यहाँ पर सॉस भी के साथ ही नाश्ते में बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में, तो सॉस के साथ सर्व कर दी हूँ। तो आप चाहें तो इसके जगह मतलब धनिया पत्ती की चटनी या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला भी डाल देती हूँ, फ्लेम लो रहेगा हमारा। आपका तवा जितना बड़ा है आप उसी हिसाब से, लेकिन पतला पतला बनाइएगा, ये एक टिप है फ्रेंड। तो आप लोग देखिए ऐसे मैं फैला दी हूँ चारों तरफ से इक्वली, बस ये छोटी सी वीडियो है तो मैं बनाई थी, सोची शेयर कर दूं। तो आप लोग बरसात के मौसम में इसकी तरह तरह की रेसिपी बनाकर ज़रूर खाइए, क्यों अब बारिश जाने ही वाली है और इसका सीजन भी चला जाएगा। हालांकि स्वीट कॉर्न तो अभी सालों भर मिलते हैं, पर ये देसी वाला जो भुट्टा है वो हर समय नहीं मिलता है, अभी बिल्कुल ओरिजिनल मार्केट में आ रहे हैं, तो हम लोगों के साइड में खेतों में भी होते हैं, तो हम लोगों को मिल जाते हैं ताज़ा ताज़ा एकदम फ्रेश वाला भुट्टा। तो इसलिए मैं बनाकर इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी बना ली हूँ, इसको भी उलट पलट कर सेक लेते हैं। देखिए मैं इतना पतला पतला सा बनाई हूँ, फिर भी ये पलटने में दिक्कत होती है। तो देखिए ये मैं दो बना रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।